से कबाब परफेक्टली रेडी हैं। इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा मेल्टेड बटर इस तरह से डाल देंगे। ये देखें ज़बरदस्त। हेलो फ्रेंड, दिस इज हनी एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल बटन ऑल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज मैंने बहुत ही जूसी कबाब और नान रोल रेडी किए हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत सिंपल ईजी रेडी किए हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं और विदाउट एनी ओवन, विदाउट एनी तंदूर, बहुत ही ज़बरदस्त से ये रेडी हुए हैं, जिसे मैंने बहुत सुपर सॉफ्ट नान के साथ रोल करके सर्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, यहाँ पे हमने डो रेडी करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 बॉल ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा लिया है। इसमें मैं 1 बॉल रेड व्हीट ऐड कर रही हूँ। इससे एक तो ये होता है कि डो में ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है, उससे गूंदने और बेलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर जाएगा, 2 टेबलस्पून शुगर जाएगी, 1 टेबलस्पून भर के सीसम सीड जिसे तिल कहते हैं वो भी ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून यहाँ पे कलवंजी यानी कैरेवे सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 पैकेट यीस्ट है, जो कि सॉरी मैं बताना भूल गई, 1 पैकेट यहाँ पे ऐड करेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ग्रेजुअली वाटर ऐड करके जस्ट हमने सॉफ्ट डो नीट कर लेनी है। फाइव टू सेवन मिनट्स इसे अच्छे से नीट किए और ये देखें ये सॉफ्ट और रेडी हो गई, परफेक्टली डन है। तो जस्ट हमने इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल के इसको हमने कवर करके किचन में ही कहीं पे हम रख देंगे। इसको 1 आवर हम राइज होने का टाइम देंगे। तो जस्ट हम इसे कवर करके किचन में ही कहीं पे साइड पे 1 आवर के लिए राइज होने का टाइम देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने कबाब का मटेरियल रेडी करना है। मैंने एक बड़ा बॉल ले लिए, यहाँ पे मेरे पास 2 kg चिकन मिन्स हैं, वो मैं इस बड़े बॉल में डाल देती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसमें सारे मसाले मिक्स करना। अब इसमें यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ अनियन है जो फाइनली ग्रेटेड है, और मैंने इसका सारा पानी जो है स्क्वीज़ कर दिया है, वाटर हमने ऐड नहीं करना। तो ये हमने इसमें ऐड किया। 2 to 3 tablespoons यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये भी आपने ड्राई ही निकालना है, इसका पानी आप स्क्वीज कर देंगे। 1 handful यहाँ पे चॉप्ड हरा धनिया लीव जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चैटर्ड चीज़, आप इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हमारे कबाबों को आएगा और ये हमारे कबाबों को सॉफ्ट करने में भी हेल्प करेगा। साथ ऐड करूँगी 2 tablespoons साल्ट, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर है, 1 tablespoon से थोड़ा सा ज़्यादा है चिली फ्लेक्स है ये, 1 tablespoon यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, 2 tablespoon धनिया पाउडर है, 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर है और 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ है। तो ये ज़बरदस्त से हमारे स्पाइसेस इसमें चले गए। अब हमने हल्के हाथों से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ज़्यादा मसल मसल के मिक्स नहीं करना, अदरवाइज़ हमारे कबाब जो है वो हार्ड हो जाएंगे पकने के टाइम। हमने हल्के हाथों से इस सारे मिक्सचर को चिकन मिन्स में अच्छे से मिक्स करना। मसालों को अच्छे से हमने मिन्स में मिक्स कर लिया। अब हम इसे जस्ट 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद हमने हमारा जो मिन्स मिक्सचर है परफेक्टली डन है, तो हमने देना है इसे स्मोक। चारकोल मैंने इधर रख दिया है अच्छे से दहका के। 2 to 3 tablespoons ऑयल या घी इसमें ऐड करूँगी और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम अच्छा सा स्मोक देंगे। ये बॉल्स बना के रख लिए हैं, बाकी का मैं स्लो स्लो बनाती रहूँगी। तो पहले मैं इन बॉल्स से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको कबाब की शेप देनी है। तो सबसे पहले तो आपने ऑयल या पानी से हैंड ग्रीस कर लेना है, मैंने ये सीख ली है। इस तरह से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। एक बॉल आपने लेना है और इसको इस तरह से
करके हमने इसको बड़ा करते जाना है स्लो स्लो, पोले पोले हैंड से, इस तरह से इसे जितना आपको बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा कर लें। तो इस तरह से मैं इसको कबाब की शेप में कर लूँगी। हमारे सारे शेप में आ गए हैं, तब हम इसको फ्राई करेंगे। 1 आवर हो गया और 1 आवर के बाद हमारी डो जो है वो परफेक्टली डन है, अच्छे से राइज हो गई है। तो इसको जस्ट हमने पंचेस करके थोड़ा सा सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके टाइट बॉल्स बना लेंगे। फ्राई करने के लिए आप कोई पैन कोई तवा ले लें, हमने इसे शैलो फ्राई करना है। मैंने ये पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। अब हम इसे वन बाय वन डालेंगे और हर तरफ से ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर तक इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमारे जो कबाब हैं सुपर सॉफ्ट से परफेक्टली डन है। जिस तरह से ये कुक होते गए हैं उसी तरह से ये थोड़े थोड़े हार्ड होते गए हैं, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म नहीं हुई है। तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और बाकी के सारे भी हम इस तरह ही फ्राई कर लेते हैं। क्या हजर का कलर आया है, सुपर सॉफ्ट डिलीशियस से कबाब भी डन है, नान भी डन है, सैलड रायता सब डन है। तो चलिए हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं और करते हैं सर्व। जी फ्रेंड, हमारे नान रोल जो हैं कबाब नान रोल परफेक्टली डन हैं। आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त से ये रेडी हुए हैं और बहुत सुपर सिंपल इजी वे में ये रेडी हो जाते हैं। और हमारे कबाब भी क्या जूसी से रेडी हुए हैं, आप इसे किसी भी दावत में सर्व कर सकते हैं। बहुत स्क्रम्पशियस हैं, इट्स अ मस्ट रेसिपी, ट्राई इट। इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग ईजी एंड फन विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।